गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये बज रहे हैं सुबह के 4 और हम निकल चुके हैं अपनी जर्नी पे। समर वेकेशन था तो हमने सोचा कि चलो कहीं घूम आते हैं, तो हमने एक जगह का प्लान बना लिया। धीरे धीरे आगे आप लोगों को पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस घर से निकल गए हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं। सो फ्रेंड्स, घर से निकल कर हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो चुके हैं और अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं यहाँ पर। बस चाय बन रही है इस ढाबे के, हम चाय पियेंगे उसके बाद में आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और इस समय टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 5:30। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग शाहजहांपुर में हैं और यहाँ पे हम अपनी कार को चार्जिंग में लगाने के लिए वेट कर रहे हैं। हमारी ईवी चार्ज होने जा रही है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स की डिस्टेंस हमने कवर कर ली है और यहाँ पे अभी 1 घंटे में फास्ट चार्जिंग मोड पे जब ये चार्ज करेंगे तो 1 घंटे में पूरी फुल चार्ज हो जाएगी वापस से कार। सो फ्रेंड्स, गाड़ी को हमने चार्जिंग में लगाया था और अब लाइट चली गई है और कार हमारी सिर्फ 39% चार्ज हुई है। 25% तो ऑलरेडी बैकअप था उसमें और 39 हुआ है और लाइट चली गई। और अभी टाइम हो रहा है कुछ 10 o'clock और बता रहे कि 12 बजे लाइट आएगी। बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बैठे हुए हैं यहीं पे वेट कर रहे हैं लाइट का। अभी हम लोग इस समय बरेली में हैं और बरेली में यहाँ पे एक स्टैटिक चार्जिंग स्टेशन है, वहाँ पे हम अपनी कार को चार्जिंग में लगाने आए हैं। अब यहाँ से जब फुल चार्ज हो जाएगी तब हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और मुझे तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, आप लोग देख सकते हो कि मेरा फेस कितना ज़्यादा स्लीपी लग रहा है। मैं बहुत पूरे रास्ते ऑलमोस्ट सो ही रही हूँ। पता नहीं कि मुझे ट्रैवलिंग में ना इतनी ज़्यादा नींद आती है, मतलब मैं जग ही नहीं पाती हूँ। और मुझे इस कारण सब लोग बहुत गुस्सा भी करते हैं कि तुम बस सोती रहती हो। बट ये मेरे कंट्रोल के बाहर है, ट्रैवलिंग में मुझे काफ़ी नींद आती है। ये हमारी कार खड़ी है, चार्जिंग में लग चुकी है। सो जब तक यहाँ पे गाड़ी चार्ज हो रही थी, मैं थोड़ा होटल के नज़ारे ले रही थी, यहाँ वहाँ घूम घूम कर देख रही थी और साथ ही साथ मैंने कुछ रील्स वीडियो भी अपने लिए बना लिए थे जो कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ। अगर आप लोग मुझे वहाँ फॉलो नहीं करते तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अभी कौन सी जगह पे, बरेली और मुरादाबाद के बीच में हम लोग वेनिस में है क्या? हम लोग अभी वेनिस में है फ्रेंड्स, है ना? वेनिस से 10 किलोमीटर पहले यहाँ पे हम लोग पोरोस्तो खाएंगे, मोजिटो पियेंगे और उसके बाद में हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हम अभी जैग्रेब क्रॉस करके आए थे। इसका कुछ बनने वही जाए जिन कॉर्बेट का, तो ऐसी ट्रैवलिंग होगी। सो अब हम यहाँ मुरादाबाद में टाटा के शोरूम में बैठे हुए हैं जहाँ की अगेन हमें अपनी ईवी को चार्ज करना था। बट इतना ज़्यादा बैड लक हो गया ना फ्रेंड्स कि एक कार ऑलरेडी चार्जिंग में लगी हुई थी बट उस दिन कुछ वहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह कट हो रहे थे जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने कट करके रखी थी और जब लाइट आती तो सबसे पहले जिनकी गाड़ी लगी हुई थी चार्जिंग में वो चार्ज करते। बहुत ही अच्छा स्टाफ था वहाँ का, उन्होंने हमें चाय वगैरह भी बनाकर पिलाई। इनफैक्ट मुझे तो 2-3 कप दे दिया क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि मुझे चाय बहुत पसंद है। नहीं,
हाँ जी सर, हम सब ने तो शोरूम को बिल्कुल अपना घर ही बना लिया था, बिकॉज टाइम काफ़ी था हम लोगों के पास में और कुछ काम धंधा था नहीं हमारे पास, तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे और बस शूट कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि कब लाइट आ जाए और गाड़ी चार्ज हो। हालांकि गाड़ी चार्ज हो रही थी, बट सबसे पहले ये जो कपल दिख रहे इनकी गाड़ी चार्ज होनी थी क्योंकि ये हमसे पहले वहाँ पहुँचे हुए थे, इसके बाद हमारा नंबर आ। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 8:15 और फाइनली अब हम यहाँ शोरूम से निकल रहे हैं टाटा वाले और हमारी गाड़ी हो गई है 90% चार्ज, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। और पहले तो डिनर तो वैसे हमारा होटल में बुकिंग था तो डिनर वहाँ पे हमारा था, बट अब हम टाइमली पहुँच नहीं पाएंगे तो डिनर हम लोग अभी रास्ते में ही कर लेंगे क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाएगा। फाइनली डिनर सबका कंप्लीट हो गया है और अभी सब लोग कर रहे हैं आइसक्रीम पार्टी। ये देखिए यहाँ पे आंटी आइसक्रीम ली है। आंटी आप कौन सा फ्लेवर खा रही हैं? पिस्ता बादाम फ्लेवर। श्रद्धा ने भी पिस्ता बादाम फ्लेवर लिया है। अर्नव ने लिया है कॉर्नेटो। ओहो हो हो हो। और ये लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक्स ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। श्रद्धा सबको आइसक्रीम ऑफर कर रही है। हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए, हम लोग देखते हैं कितने टाइम में अभी पहुंचेंगे। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और मुझे लगता है हम लोग को ऑलमोस्ट 1 तो बज ही जाएगा रात का। बस चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठने के लिए। बाहर का वेदर तो बहुत ही गर्म है, दोपहर को तो काफी अच्छा। अर्नब गलती से दूसरी कार में बैठने जा रहा था। सो अब निकल रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ से। अभी हमें हरिद्वार पहुंचने में ऑलमोस्ट काफी टाइम हो जाएगा। अभी बज गए 11:00 और हम गाड़ी में ही हैं। हमें पहुँचते पहुँचते ऑफकोर्स लेट हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रेक लिया है, टी ब्रेक, बिकॉज इन्हीं लोगों को ड्राइव करना है और चलाते चलाते नींद आ जा रही है। मैं तो बीच बीच में थोड़ा बहुत झपकी ले भी रही हूँ, लेकिन ये लोग को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा सोने का। सब लोग बहुत ही थक गए हैं, मतलब एज सच वैसा तो नहीं थके हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एग्जॉस्टन हो ही गया है। हम लोगों को तो हो जाएगा काफी लेट। मैंने देखा उस दिन आगे तो चला रहे थे। नहीं आगे नहीं, नहीं बात वो नहीं है, मैं आगे मेरे को चक्कर आता है यार, मेरी आदत चली गई है। नहीं थोड़ा और मौसम ठंडा होगा तो मैं भी अगर कंफर्टेबल होगा तो आ जाऊंगी, है ना। फ्रेंड्स अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, सब ने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है और अब यहाँ से निकल रहे हैं। अभी भी हमें ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से जाना है। 130 नहीं 100 मेरे ख्याल से 130 अभी थोड़ी देर पहले तो यार 115 दिखा रहा था। तो निकल रहे हैं, ये हमारी फ्रेंड की कार। अब बज रहे हैं 2:00 और हम उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पे पुल पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। मैं तो बीच में सो गई थी, लेकिन अभी मेरी जब नींद खुली है तब मुझे पता चला है कि यहाँ पे ट्रैफिक में काफ़ी टाइम से ये लोग फंसे हुए हैं। आई डोंट नो ये कब तक क्लियर होगा। जो सोचा था बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ है। हमने सोचा था कि 1-2 बजे तक पहुंच जाएंगे, बट अब लगता है कि शायद 3-4 बज जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 2 बज के चला गया है, 2:10 आसपास हो रहा है। देखते धीरे धीरे ट्रैफिक क्लियर हो रहा है, आगे भी काफ़ी जाम है वैसे, और साइड में पहाड़ है, पूरा रास्ता काफ़ी मतलब अंधेरा है, खाई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखते अब हमें कितना टाइम लगता है, कितने बजे हम पहुँचते हैं अपने होटल पर।
और गंगा मैया के दर्शन किए हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, पीछे आंटी आ रही है। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठंडा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। गंगा किनारे बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून सा महसूस हो रहा है। तो बस अब ये व्लॉग मैं आज का यहीं पे एंड कर रही हूँ। डे टू जैसे ही हम होटल के बाहर आएंगे वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अब जा रहे हैं, सब लोग रेस्ट करेंगे, बहुत थक गए, 5 तो बजी गए हैं ऑलमोस्ट। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, बाकी के आगे आपको बाद में मिलेंगे। बाय।